मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के सागर निवास चाल मित्र ग्राउंड के पास रहने वाली एक इकरा रियाज अहमद पटेल उम्र 13 साल की लड़की 6 दिसंबर को बाबा जी पाटिल स्कूल से दोपहर करीब 11:30 बजे से लापता हो गई थी। बाबा जी पाटिल की ये 8वीं की छात्रा थी। इस 13 साल की बच्ची की गुमशुदगी की खबर जैसे ही बच्ची के पिता रियाज अहमद पटेल और उनकी पत्नी जुबैदा हामिद पटेल को लगी तो बच्ची के माता पिता ने सोशल मीडिया में इसकी तस्वीर वायरल की। बच्ची की तस्वीर काफ़ी वायरल हुई मगर बच्ची का पता नहीं चल रहा था। बच्ची के माता पिता ने मुंब्रा पुलिस में भी इसकी शिकायत की थी। बच्ची के माता पिता को एक अरमान नाम के लड़के पर शक था। हो सके इस अरमान नाम के लड़के ने ही उनकी बेटी को किडनैप किया हो, जिसके बाद मुंब्रा पुलिस ने इस अरमान नाम के लड़के की मोबाइल नंबर पर कॉल किया मगर इसका नंबर स्विच ऑफ था। अब पुलिस और परिवार का शक अरमान पर और गहरा हो गया। काफ़ी छानबीन के बाद आखिरकार अरमान पुलिस के हाथ लग गया और 13 साल की लड़की भी 27 घंटे बाद मुंब्रा के दत्तूवाड़ी से बरामद की गई। लड़की को ढूंढने में मदद की किशोर पासलकर, मुंब्रा पुलिस की स्टेशन के योगेश पाटिल, दीपक जाधव और भी पुलिस डिपार्टमेंट ने काफ़ी मेहनत की है। लड़की बरामद होने के बाद इसमें एक नया खुलासा हुआ। जिस अरमान नाम के लड़के को पुलिस ने पकड़ा है उस लड़के से लड़की का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा लड़की के पिता रियाज अहमद ने बताया है। इकरा का कहना है कि उसकी माँ जुबैदा ने उसे पढ़ाई के साथ साथ घर का काम करने के लिए भी कहा मगर इकरा ने काम नहीं किया तो उसकी माँ ने उसे मार दिया, जिसकी वजह से इकरा नाराज होकर कुरला अपने खाला के घर चली गई। इकरा के खाला ने इसकी जानकारी देनी चाही मगर इकरा के माता पिता ने फोन रिसीव नहीं किया। क्या कहा है इकरा और उसके माता पिता ने? क्या नाम है आपका और आप घर छोड़कर क्यों गई? मेरा नाम इकरा रियाज अहमद अमित पटेल है। मम्मी से झगड़ा हुआ था इसके लिए खाला के घर पे गई थी। किस बात को लेकर हुआ था? से काम नहीं करती थी इसके लिए। तो कहाँ आप गई थी घर छोड़कर? खाला के घर पे कुरला। स्कूल गई थी आप पढ़ने के लिए तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद निकल कर गई थी या घर से निकलने से पहले डायरेक्ट ही आप चली गई? स्कूल की छुट्टी के बाद। तो फिर आपको पता लगा कि जो है आपको दत्तूवाड़ी से जो है आप मिली, तो वहाँ कैसे पहुँची है? मेरे खाला के वहाँ पे पहचान वाले रहते हैं तो उनने मेरे को वहाँ पे छोड़े थे। क्या बात को लेकर जो है आपकी लड़की से झगड़ा हुआ था? वो मतलब कैसा रहती है कुछ, उसको मैंने फोर्स करी थी काम किया करो घर में, तुम दूसरे के घर जाने वाले हो या कुछ सीख लोगे तो क्या तुम ससुराल जाओगे तो मेरा नाम खराब करोगे, जिससे मैं उसको वो डालती थी। तो ये क्या करती थी काम करने के लिए वो मेरे से लड़ती थी कि मैं काम करती रहूँ अपनी पढ़ाई नहीं करूँ। मैं बोलती फ्री टाइम पर अपना काम किया करो, कुछ तो सीखेंगे, पकाना वकाना तो पढ़ाई तो होती रहेगी। तो थोड़ा हाथ भी मेरा उड़ गया था। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरा हाथ उठाने में इतने जोर डालने में ये ऐसा बड़ा कदम उठा लेगी। जो बता रही कि ये खाला के घर गई थी तो आपकी बहन रहती क्या कुर्ला में जो उनके घर पे? जी हाँ, मेरी बहन ने आपसे संपर्क किया था कि आपकी? जी किए थे, मैंने उसका नंबर मेरे पास सेव नहीं था दूसरे के, तो मैंने बोली कि अभी गई तो मैं बोली कि मैं फ़ोन उठा नहीं पाई, जो ये लड़की मिल नहीं रही उसमें ढूंढा ढूंढी में मैं फ़ोन पे ध्यान नहीं दी। उसकी जितनी सहेलियाँ थी उसके पास घर पे गई, जिधर जिधर पहचानती जहाँ जहाँ जा सकती थी वहाँ गई, अरबी पढ़ती थी वहाँ अरबी वाले के वहाँ पे भी मदरसा में भी आई थी पर वहाँ नहीं मिली। बहुत काफ़ी ढूंढता हूँ तो मोबाइल घर में रखे ध्यान नहीं दे पाई मैं उस पर। और कुरला में मेरी बहन 3 नंबर की बहन रहती है, मुमताज़ नाम है। तो बाद में जो मेरे भाईजान ने काम पे नाइट में थे वो सुबह को आए ना, तो वो यहाँ पे दत्तूवाड़ी में इसको लेके आए थे। बाद में फिर वहाँ पे इससे कुछ बात करे तो फिर उन्हें लाके घर पे छोड़े। इस मामले में जो लड़के का नाम सामने आ रहा था तो क्या उस लड़के का कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट था या नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ पता नहीं चला। अभी कैसा है कि बच्ची घर से गायब हुई थी तो जो लोग जैसी जैसी बात कर रहे थे जो जो बोल रहे थे, अभी पता तो नहीं था कि बच्ची कहाँ है क्या है कैसे किस हाल में है, तो जैसा जैसा जो जो बोलते थे, अभी 4 जन जमा हुए तो 4 अलग अलग आइडिया देते, भाई ऐसा करना चाहिए ऐसा होना चाहिए, आपको इधर ढूंढना चाहिए वैसा ढूंढना, ये एंगल देखो वो एंगल देखो, तो यही सब उसे। और रही बात इनके खाला के घर की ना, तो उसमें ऐसा हो गया हम लोग इसलिए वहाँ नहीं पहुँच पाए ना क्योंकि ये जो है अपने मायके वालों से काफ़ी दूर है, मतलब कहीं जल्दी आना जाना नहीं है, जान पहचान मतलब बहुत कम, खाली फ़ोन पे कभी सलाम दुआ होती है तो होती है, उनके बाद एटलीस्ट मेरा नंबर भी नहीं होगा।
नहीं तो अगर मेरा नंबर रहता तो मेरे को फ़ोन करते तो इतनी परेशानी नहीं होती थी बच्ची को, हम लोग को मतलब इतनी और सब लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती थी। ठीक है, क्या मामला भी दर्ज कराए थे क्या? नहीं, मामला तो गुमशुदी का दर्ज कराना ही था, क्योंकि हमको नहीं पता था कि बच्ची किधर है, क्या है, किस हाल में है, क्या हुआ होगा बच्ची के साथ, क्या नहीं, कुछ नहीं पता था। तो उसके हिसाब से तो मामला, पुलिस ने उसको भी पकड़े हैं जो लड़के का नाम सामने आ रहा था। हाँ, पुलिस ने तो उनको पकड़े हैं, क्योंकि FIR दर्ज हुई थी और पुलिस को भी हर एंगल टटोलना है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है, तो उनको भी कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि पुलिस की जो है नेटवर्क रहता है स्ट्रांग, तो वो हिसाब से उनको भी कुछ पता लगा था, तो उन्होंने वो लड़के को उठाया है, रखे है। तो अभी हम जाके उनको मतलब बोले हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बच्ची मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची सही सलामत अपनी खाला के घर पे ही थी, तो बोले ठीक है, हम बच्ची का स्टेटमेंट लेके ये केस क्लोज कर देंगे। ठीक है, और रही बात बोले वो लड़के की, तो उसको भी हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग कुछ रखने वाले नहीं है उसको, क्योंकि उसका इसमें कुछ है नहीं। हाँ, इतना है कि उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, मतलब बच्ची को कभी छेड़ता था या कुछ करता था एरिया में, मतलब देखा था जाता था उसको, तो उसके दोस्त यार से पता चला था उनको, तो बोले हम लोग थोड़ा उसके बारे में उसको थोड़ा समझा के छोड़ देंगे। मैं अपनी तरफ से तहे दिल से सारे जितने भी हर स्टेट से मुझे कॉल आए, मैं उनको शुक्र अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा पूरा सोशल मीडिया के थ्रू मेरा साथ दिया, और ख़ास करके हमारे मुमरा पुलिस चौकी जितने भी हमारे पाटिल साहब थे और उनके जितने भी मेंबर्स थे, और हमारे जो भी मुमरा के जितने भी लोकल लोग हैं और जो भी पॉलिटिकल है, जो है कॉरपोरेटर साहब, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। इकरा के माता पिता ने बताया है कि पुलिस ने जिस अरमान नाम के लड़के को पकड़ा है उसका हाथ होने से इनकार किया है। बताया है कि दत्तूवाड़ी में जिस घर से इकरा मिली है वो इकरा के खाला के रिश्तेदार ही हैं। फिलहाल 6 दिसंबर से घर से गायब बच्ची एक बार फिर अपने माता पिता के पास है, मगर अभी भी मुंबरा पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है कि क्या आखिर लड़की जो बता रही है और उसके माता पिता जो बता रहे हैं वो सच है या फिर लड़के का भी इसमें कोई रोल है। बहरहाल ये सच्चाई तो पुलिस जांच में ही पता चलेगा। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।